हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे इंडिया के प्रीमियर सोशल सेक्टर बेस्ड पीजी प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा। पोस्ट टेस्टनेट 2023 ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो सोशल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसके लिए पीजी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं। सब इस तरह के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको उन सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और उनके प्रोग्राम्स के बारे में पता रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, और आप डिसाइड कर पाएंगे, अपने इंटरेस्ट एरिया को फर्दर एक्सप्लोर कर पाएंगे और एक तरह से स्क्रूटिनाइज कर पाएंगे। तो हम ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको वीकली अपडेट करते हैं। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ये एक आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट है, इंटीग्रेटिंग डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर आप को जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो वेब लिंक है वो मिलेंगे। वहाँ पर जाकर के आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट में और यूनिवर्सिटी में किस तरह के और प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं, और स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम हम यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं आप उनको देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस और जो अपडेट होती है, एप्लीकेशन कब इनकी रिलीज़ होती हैं, उनका एक एक्सपेक्टेड जो डेट है या मंथ है वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। किसी ये लिंक आपके आपको फैसिलिटेट करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर जाने के लिए। रैंडमली आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आपके लिए ये एक काम का डॉक्यूमेंट है। आप इसे एक बार देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जो एडमिशन अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए जो अपडेट डिटेल्स हैं वो हैं। पहला जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वो टिस है, एक बड़ा यूनिवर्सिटी है। 50 प्लस पीजी प्रोग्राम्स और इस बार मिलाकर के करीब 5 यूजी प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स सेपरेटली टिस ने लॉन्च किए हैं। वोकेशनल स्टडीज़ के प्रोग्राम भी ये आपके लिए ऑफर करते हैं। ये इस वेबसाइट पर जा करके, इनकी वेबसाइट पर जा करके आप फर्दर इसको डिटेल को चेक कर सकते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इसका स्टेज वन और स्टेज टू दोनों का एंट्रेंस हो चुका है। अभी मैं आपसे ये लिस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप एक बार हर एक को चेक कर लीजिए और अपने इंटरेस्ट को अलाइंस करने की कोशिश कीजिए, और फ्यूचर में आप क्या किस तरह से अपने कैरियर को पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद आप अपना प्लान करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर फैसिलिटेट हो पाएगा। इसके साथ साथ हम इन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, जो भी सोशल सेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स पीजी प्रोग्राम्स हैं, इनके एंट्रेंस की हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा करके फर्दर जो डिटेल्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक कोई आपकी क्वेरी है उसको आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को हमारे को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं। तो तीसरा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आईआईटी गुवाहाटी है, डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड लिबरल आर्ट का प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं। आईआईटी मंडी डेवलपमेंट स्टडीज़ का, आईआईटी गांधीनगर एमए सोसाइटी एंड कल्चर एंड एमएससी कॉग्निटिव साइंस है, इसका 18 मार्च को इंटरव्यू है। हमारे कुछ एक स्टूडेंट्स इस बार इसका इंटरव्यू दे रहे हैं, वी आर हेल्पिंग देम and preparing, taking mock interviews, writing their objective statements and helping them in aligning their objectives and their future aspirations for their future endeavors. उसके बाद IIT मद्रास में MA प्रोग्राम है, IIT तिरुपति में MPP प्रोग्राम है। IIT तिरुपति का ये सेकंड बैच जाएगा MPP का, IIT का मुंबई का MPP मास्टर पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम, IIT दिल्ली का मास्टर पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम। इन दोनों के लिए, IIT मुंबई और IIT दिल्ली के लिए, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ग्रेजुएशन की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 or 5 ईयर ग्रेजुएट चाहिए, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। IIT जोधपुर ने MSA डिजिटल सोसाइटी का प्रोग्राम ऑफर किया है, IIT हैदराबाद में MA डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड MA जेंडर एंड हेल्थ स्टडीज़ है, NIT राउरकेला में MA डेवलपमेंट स्टडीज़ है, NLSIU बेंगलोर का मास्टर पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम है, इसका जो अभी लास्ट डेट 6 अप्रैल 2023 है, ये एप्लीकेशन अभी ओपन है, आप इसे भर सकते हैं, और इसका जो एंट्रेंस है वो 29th
अप्रैल को है। आईआईटी बेंगलोर में एमए इन डिजिटल, ट्रिपल आईटी बेंगलोर में एमए डिजिटल सोसाइटी है, इसको आप देख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मास्टर मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एमए प्रोग्राम है, सोशल वर्क स्पेसिफिक प्रोग्राम से वहाँ पर आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद आई पीजीआरडीएम प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पीजी जो है वो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आपके लिए है। इनके जो एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन है उनको आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। धान अकेडमी आपको ऑफर करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ। हेल्थ केयर इज एन प्रॉमिसिंग सेक्टर विद कमिंग इन कमिंग डेज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, सो यू कैन थिंक ऑफ दैट। आईआईटी खड़गपुर ने एलएलबी, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में एमए इकोनॉमी इकोनॉमिक्स, सॉरी इट्स ये टाइपोग्राफिकल एरर है, इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, एमए इकोनॉमिक्स ये है। इसके बाद मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स का में भी ये आपको ऑफर करते हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमएससी कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स एंड डिजिटल सोसाइटी का प्रोग्राम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में मास्टर पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में मास्टर पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल वर्क में आपको पीजी ऑफर करती है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ के, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आपको आपके प्रोफेशन एंड कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको सजेस्ट करते हैं और इनके लिए हम आपको प्रिपेयर कराते हैं। ये फेलोशिप है, लैम फेलोशिप है, इसकी इस बार हमने प्रिपरेशन कराई है स्टूडेंट्स को। हर साल ये आपको एक साल का करीब करीब 11 मंथ का आपको ये फेलोशिप ऑफर किया जाता है पीआरएस सोसाइटी के द्वारा। क्रिस फेलोशिप है, उसके बाद एक फेलोशिप और एग्जिस्ट करती है जिसको हम यहाँ पर कोट करना चाहते थे, दैट वाज एमजीएनएफ फेलोशिप। उसका नोटिफिकेशन वेट कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल से भी रिलीज नहीं हुआ, बट दैट इज़ अगेन वेरी प्रॉमिसिंग। सो प्लीज़ लुक इन टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर प्रोग्राम्स एंड रिपीटेड इंस्टीट्यूशंस, सिंस दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिपीटेड इंस्टीट्यूशंस नोन फॉर देयर एमिनेंस, हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर योर फ्यूचर कैरियर एंड दिस लिस्ट विल हेल्प यू गिविंग द क्लैरिटी एंड एस्पेशली विल फैसिलिटेट यू टू एक्सप्लोर मोर नंबर ऑफ ऑप्शंस। थैंक यू।